समर मंथ में अगर आप इस लड्डू को ज्यादा खाते हो तो बॉडी हीट जनरेट होगी, लेकिन विंटर्स मंथ में इन लड्डू को आप दिल खोल के खा सकते हो, क्योंकि ये है बायोटिन लड्डू। अब बायोटिन का नाम सुनते ही आपको लगेगा कि आपने तो ये दो वीडियोस बायोटिन के बारे में पहले भी बनाई है, लेकिन बायोटिन और कॉलेजन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको नहीं पता होगा। हमेशा हमें ऐसा लगता है कि बायोटिन और कॉलेजन एक होता है, नहीं। बायोटिन जो होता है वो एक तरह का विटामिन होता है, कॉलेजन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है। प्रोटीन और विटामिन क्या कभी सेम होते हैं? नहीं ना। सेकंड थॉट जो आपके माइंड में आएगा कि फिर ये हमारे बॉडी के लिए क्या कर सकता है, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारी बोन डेंसिटी के लिए, ये सबके लिए हेल्दी है। और जो रोल कॉलेजन जो कि सप्लीमेंट्स बिक रहे हैं वो कर सकता है, वही रोल ये बायोटिन लड्डू भी कर सकता है। तो इस वाले बायोटिन लड्डू को प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगी, दोनों में से जो आपको अपने लिए सही लगते हैं वो आप लेके उन्हें बना सकते हो। और विंटर्स में इसको ज्यादा खाया जाता है तो इसलिए आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए होगी काली उड़द दाल। आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हाफ बोल की काली उड़द दाल ले लेना और उसको भून लेना। भूनने से क्या होता है, किसी भी दाल का जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है बाहर। जब दाल का मॉइस्चर बाहर एनवायरनमेंट में निकलता है, इसका मतलब जो भी हम अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होगी। तो आप इसे ऐसे ही प्रिपेयर कर लेना। जब आपको लगेगा कि इसका मॉइस्चर निकल चुका है, एक इसमें हल्का सा क्रिस्प आ चुका है, उसके बाद आप इसको निकाल के साइड में रख लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है हाफ बोल का बेसन। बेसन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, बेसन आप कच्चा नहीं खा सकते। तो इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप बेसन का कुछ भी अपने लिए प्रिपेयर करते हो तो उसको हमेशा रोस्ट करते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ बोल का बेसन लिया और इसको रोस्ट कर लिया। आपको कोशिश करनी है कि ये काला नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसमें क्रिस्प आना चाहिए। उतनी ही देर तक आपको इसको रोस्ट करना होगा और इसको भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो जो मेजर इंग्रेडिएंट है या जो की इंग्रेडिएंट है वो निकल गए। उसके बाद जो मेरी काली उड़द दाल है जो कि रोस्ट हो चुकी थी, इसको मैंने एक ग्राइंडर में डाल दिया क्योंकि अभी भी बिल्कुल साबुत है। हमें कोशिश करनी होगी कि पूरी तरह से ग्राइंड हो जाए। ग्राइंड करते टाइम हमें सिर्फ अपनी जो काली उड़द दाल है उसको डालना है ग्राइंडर में। बेसन को ग्राइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो बेसन को आप ऐसे ही रख लेना। आप सिर्फ अपनी काली उड़द दाल को उसको ग्राइंड करना, और ग्राइंड जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना ही बेहतर रहेगा। तो जितना भी ग्राइंड होगा आप उसके बाद उसे निकाल लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 2 टेबलस्पून का शतावरी पाउडर। शतावरी पाउडर हमारे स्किन के ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो 2 चम्मच का वो भी इसमें डलेगा। और इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप इसे लड्डू की फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें या तो थोड़ा सा घी डालना होगा, 2 से 3 चम्मच का आप इसमें घी डाल सकते हैं, और या फिर आप इसमें बटर ले सकते हैं। बटर आपका अनसॉल्टेड ही होना चाहिए क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है तो पूरा का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा, फिर लड्डू का क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप यहाँ पे बटर अनसॉल्टेड ही लेना। अगर आपको लगता है कि अनसॉल्टेड बटर आपके पास नहीं है तो जो व्हाइट कलर का बटर होता है आप वो भी डाल सकते हो, वो भी चल जाएगा यहाँ पे। अगर आपका घी कम पड़ जाए तो आप ऊपर से भी घी डाल सकते हो। मैंने भी थोड़ा सा घी लेके इसमें डाला था और हाथ की मदद से ही मैंने इसको और अच्छे से मिक्स कर लिया था। रोस्ट करने के बाद आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी फॉर्म का ऑयल आपको नहीं डालना। आप पूछते हैं सरसों का तेल डाल दूं, नहीं सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल डाल दूं, नहीं कोकोनट ऑयल, नहीं कोई भी अलग ऑयल आपको नहीं डालना, सिर्फ ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको ऐसे बहुत प्रेस करना क्योंकि इसमें एक ग्लू के तौर पे जो हमें चाहिए होता है वो मैंने अलग से नहीं डाला था और ऐसे ही इन वाले लड्डू को बनाया था। इसमें बायोटिन है, इसमें कॉलेजन है, इसमें उसके साथ साथ विटामिन ए डी सी ई के सब कुछ है प्रेजेंट इसके अंदर ऑलरेडी, तो इसलिए आपको इसमें और कुछ एडिशनली नहीं डालना है। तो ये था हमारा लड्डू नंबर 1। अब दूसरा लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं आमंड्स। आमंड्स मैंने यहाँ पे लिए हैं सिर्फ मुट्ठी भर यानी कि हैंडफुल। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं वॉलनट्स यानी कि अखरोट। अखरोट मैंने गिनती के 10 लिए हैं, गिनती के 10 लिए हैं। तो इसकी जो पील आती है उसको मैंने हटा लिया, और पील को हटाने के बाद मैं ये कहूँगी कि जो मेरे वॉलनट्स आए थे वो भी हैंडफुल ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, और इनको भी रख लिया। थर्ड इंग्रेडिएंट जो मैंने इसमें डाला है वो है काजू यानी कि कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स का नाम सुनते ही कई लोग मुझे कमेंट करते हैं मैं मोटी हो जाऊंगी, मुझे मोटापा आ जाएगा, बट कैश्यू नट्स जो होते हैं वो हाफ क्वांटिटी में लिए हैं। मतलब जितने आमंड्स और वॉलनट्स लिए हैं उनकी आधी क्वांटिटी में सिर्फ कैश्यू नट्स बस उतने ही लिए हैं, तो आपको कोई मोटापा नहीं देगा, कोई वेट गेन नहीं कराएगा, वो अच्छा है हमारे लिए, उतना तो खाना भी चाहिए। आपको ये कोशिश करनी है कि वो एकदम सरफेस पे लग के एकदम काला ना हो जाए, हल्का हल्का सा आप इसे रोस्ट करते रहना और उसके बाद इसको आप निकाल लेना। निकालने के बाद अब हम इसको करने वाले हैं ग्राइंड। मैंने यहाँ पे गुड़ यानी कि जैगरी डाली है। अगर आपको भी लगता है कि आप शुगर को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहते हो ताकि मोटे ना हो जाओ, मोटापा ना आ जाए, तो उसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट मेरे हिसाब से जैगरी ही होता है। मुझे सही लगता है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, इन सब के साथ घुल मिल के बहुत अच्छा लगता है वो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पीस एक जैगरी का डाला
और इन सभी को साथ में ग्राइंड कर लिया। जब ये सब कुछ ग्राइंड हो गया उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया, आप देख सकते हो ये भी एक पाउडर ही फॉर्म में है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ बेसन, क्योंकि बेसन यहाँ पे एक बेस का काम करेगा, बिना बेसन के आपके लड्डू नहीं बनेंगे। तो मैंने बेसन जो यहाँ पे लिया है वो लिया है रफली हाफ बोल का, और उसको भी मैंने रोस्ट किया है। इसको भी आपको ड्राई रोस्ट ही करना है, आपको इसको काला नहीं बनाना बिल्कुल, आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें कालापन नहीं आना चाहिए, सिर्फ ये एकदम से क्रिस्प वाले फॉर्म में जाना चाहिए, कालापन नहीं आना चाहिए इसमें। प्रॉपरली आपने इसको रोस्ट कर लिया है और उसके बाद इसको भी आप निकाल लेना। उसके बाद आपको ये जितना भी कंटेंट है इसको एक अपने कढ़ाई में डालना है। अब कढ़ाई आप कोई से भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको लोहे की लेनी है, लोखंड की लेनी है, या फिर पीतल की लेनी है, स्टील की लेनी है, आपके पास जो भी कढ़ाई है वो आप ले लेना। और इसमें मैं डाल रही हूँ घी, अगर आपके पास घी है तो आप घी ही डालेंगे, अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप बटर भी डाल सकते हो, लेकिन बटर सॉल्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें सॉल्ट है तो सारा का सारा जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तब तक ही मैंने पकाया था जब तक मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा हल्का हल्का सा ये गीला गीला सा हो गया है, जिससे कि जब मैं इन्हें ऐसे राउंड राउंड यानी कि सर्कल में जब इसके लड्डू बनाए जाएं तो उनमें एक ग्लू भी हो, क्योंकि जब भी आप लड्डू बनाते हो तो आपको चाहिए होगा कि उसमें थोड़ी सी ग्रिप भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए लड्डू कि बिल्कुल बिखर के एकदम टूट गए, तो इसलिए आपको थोड़ी सी उसमें ग्रिप बनानी पड़ेगी। और जब आपकी ग्रिप बनेगी प्रॉपरली तो वो लड्डू आपके स्वाद भी होंगे, टेस्टी भी होंगे, एंड ट्रस्ट मी इनको जब आप खाओगे तो आपके हेयर ग्रोथ के लिए, रीग्रोथ के लिए, इन सब के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ये सभी के सभी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ और इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो ये सभी के सभी सीड्स हैं जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी सीड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपको सूट नहीं करते तो ये सारे सीड्स तो हैं, आप इनमें से कोई भी लेके इन्हें डाल सकते हो। आपका क्वेश्चन होता है कि क्या इसे प्रेगनेंसी में खाया जा सकता है, तो आंसर होगा यस और नो दोनों, क्योंकि मेरी फैमिली में तो प्रेगनेंसी में कई लोग ने इसे खाया है और टेस्ट भी अच्छा होता है, इसकी खुशबू भी अच्छी होती है तो खाया जाता है। लेकिन हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप सीधे अपनी डाइट में कोई भी ऐसा बदलाव मत लेके आना, आप किसी से पूछ सकते हैं और उसके बाद इसे खा सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ 1 मंथ तक भी ख़राब नहीं होता, ये आराम से आप बना के रखो, आप बाहर भी रखोगे तब भी ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छे से बनता है और लंबे टाइम तक स्टोर होता है। अगर आपको बेसन ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो आप बेसन की जगह जो आपका व्हीट फ्लार यानी कि जो आटा होता है उसको भी यहाँ पे डाल सकते हो, जिससे कि आपका जो लड्डू की जो फर्मनेस है वो भी अच्छी होगी, लड्डू का स्वाद भी अच्छा होगा, खुशबू भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। इसे आप चाहो तो आप डेली खा सकते हो, क्योंकि मेरे घर में एक ट्रेडिशन है, एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, कि हम लोग के घर में ये बनता ही रहता है और खासकर विंटर सीजन में तो बनता ही बनता है। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि हम डेली, कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं 2 भी खा लेती हूँ, तो अगर आप चाहे तो आप भी खा सकते हैं। डेली कंजम्पशन मेरे हिसाब से सही होगा, क्योंकि मुझे तो सूट करता है, मैं डेली 1 से 2 तो खा ही लेती हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वेट गेन हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे वेट गेन बिल्कुल नहीं होगा। आपका वेट गेन तभी होगा जब आप इसमें बनाना डालेंगे, जब तक आप इसमें बनाना नहीं डालोगे वेट गेन नहीं होगा, या फिर अगर आप इसे मिल्क के साथ कंज्यूम करोगे तो आपका वेट गेन होगा जब आप दूध डालोगे इसमें। अगर वेट गेन करना है तो इसमें दूध और बनाना जो है वो भी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा दूध लो, बनाना का पीसेस बनाओ और ये जो लड्डू आपने बनाया उसके साथ खा लो। अगर आप चाहते हैं कि इसे पाउडर फॉर्म में बना के रखें तो पाउडर उसमें 1 चम्मच का डाल के उसे भी खा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी स्किन में कोई इश्यू है या आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही, बालों में शाइन नहीं है, तभी आप इसको खाओगे। आप वैसे भी इसे खा सकते हो, क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा है, इसकी खुशबू भी अच्छी है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, और विंटर्स में इन्हें ज़्यादा खाया जाता है, तो विंटर्स आप मिस मत करना, विंटर्स में इन्हें खाना शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास शतावरी पाउडर नहीं है तो आप उसे स्किप कर देना, लेकिन ध्यान देना होगा कि आपकी जो भी दाल है वो बहुत ज़्यादा रोस्ट होनी चाहिए, उसका ग्राइंड जो होता है वो भी अच्छे से होना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर आपके वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लेना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, कोई रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट सेक्शन तो है ही, वहाँ पे आप लिख सकते हो। बाय गाइस।